तो अंसार की ये तस्वीर जिसमें उसके हाथ में बंदूक नजर आ रही है उसी के गांव कुमार ग्राम से बरामद हुई है और अंसार की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए बहुत अहम है। कुछ और जानकारी राजीव आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल मल्लिका, तह तक जाना चाहती है पुलिस, लगातार जांच चल रही है, लगातार हिंसा की जो है गहराई तक पहुंच रही है। तो हिंसा से पहले अंसार को दरअसल एक फोन आया था, ये हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले एक फोन आया था उसके पास, मिस्ट्री कॉल किया वो हम आपको बता रहे हैं, एक फोन आया था अंसार के पास और 16 अप्रैल को ये फोन कहां से आया था, मस्जिद से, मस्जिद के बाहर से ही शोभा यात्रा निकल रही थी और 16 अप्रैल को ये फोन आता है अंसार के पास। उसके बाद क्या होता है, अंसार 4 से 5 लोगों के साथ अपने घर से निकलता, फोन आते ही वो 4 से 5 लोगों को गली के जो इकट्ठा करता है जिनको बुलाना चाहता है और फिर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हिंसा होती है, यानी कि मस्जिद से पास। ये फोन बताया जा रहा है कि मस्जिद से उसके पास आया था शोभा यात्रा में जाकर। उसके बाद अंसार बहस शुरू कर देता और इसी बहस की वजह से बवाल शुरू हुआ। इसके बाद बहस के बाद पथराव हो जाता है, वहां पर हिंसा हो जाती है, अंसार, असलम, सोनू, ये सब जो किरदार है वो आते हैं, पथराव होता है, गोलियां भी वहां पर चलती है। लेकिन ये मस्जिद से फोन किसका आया था, ये फोन करने वाला कौन था और फोन इसने क्यों किया था, ये सवाल अभी बना हुआ है क्योंकि इसी फोन कॉल के बाद अंसार पहुंचा उस जगह पर और पहुंचने के बाद वहां पर यह बवाल शुरू हुआ। लेकिन इस अंसार से जुड़ी हुई कुछ और अहम जानकारियां भी हैं जो आपको देंगे शुभांकर। देखिए आज तक पर सिर्फ हम खबरें नहीं दिखाते हैं बल्कि खबरों की तह तक भी जाते हैं और इसी वजह से आज तक पश्चिम बंगाल के हल्दिया के कुमार ग्राम पहुंचा जो कि अंसार का गांव बताया जा रहा है। यहां पर जब गांव वालों से हमने बातचीत की तो पता चला कि वो यहां पर कभी कभार आता है, हालांकि जब चुनाव होते हैं या कोई त्यौहार होता है तो वो हर बार आता है और इस गांव के लोग उसे सोने के शौकीन इंसान के तौर पर जानते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंसार की जड़ों को खोजते हुए हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। और हल्दिया में एक गांव है कुमार ग्राम जहां तक अंसार की जड़ें आ रही हैं और पिछले 25-30 सालों से उसका इस गांव से नाता है, उसका वोटर आईडी कार्ड जो है वो भी यहीं का है। फिलहाल हम ये जो घर दिखा रहे हैं इस घर को ध्यान से देखिए, अंसार ने ये घर बनवाया था काफी साल पहले। ये दरअसल उसकी ससुराल का गांव है, उसकी जिससे शादी हुई है उसका गांव यहां पर है। एक लौती लड़की होने की वजह से वो एक तरह से घर का ही बेटा हो गया और इस गांव में हमेशा उसका आना जाना लगा रहा। गांव के लोग जब हम यहां पहुंचे तो उनका कहना है कि अंसार हर साल यहां पर आता था, खास तौर पर ईद के समय में। अंसार लास्ट कब आया था यहां पे? एक महीना पहले आपसे बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? काम के बारे में बातचीत हुई थी, कैसे है, ठीक है, सब कुछ बातचीत हुई। फिर वो काम के बारे में घर चला गया, दिल्ली चला गया। वो क्या काम करते हैं? वो कवाड़ी का काम करता है, स्क्रैप का। अच्छा। बिजनेस करता है। उनका पूरा पुराना बिजनेस है या पुराना? स्क्रैप का है, मोबाइल का है। अच्छा। मोबाइल का शॉप है ये। इस गाँव में कब से आप उनको देख रहे हैं? हम तो छोटा से देख रहे हैं, बचपन से। हाँ, बचपन से। वो उनका जन्म तो यहाँ नहीं है? जन्म यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर ससुराल है, उसका नाना का घर वो मैथादौल में है। इस गांव के उप प्रधान है, उनसे बात करते हैं। आप तो मुलाकात होती रहती होगी? हाँ, मुलाकात होती है, जब आते हैं उस टाइम हम लोग मुलाकात करके तब जाता है।